प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है जो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिड पीपल रियली एक्सेप्ट व्हाट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टोल्ड देम, हाउ डू यू नो। जब मोहम्मद साहब को एंजल ने कहा कि आप जो है खुदा के नाम पर इस लाइन को या जो भी वहाँ पे था, तब तक हमें ये पता नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उनको कहा कि आप ये पढ़ो। फिर वर्का जो थे, जो इनके जो वाइफ थे, खदीजा के निफ्यू थे, उन्होंने कहा कि वो एंजल थे और वो खुदा की तरफ से आए थे इनको पैगाम देने के लिए कि ये जो हैं इस दुनिया के आखिरी प्रॉफिट यानी आखिरी पैगंबर जो है वो बनने वाले हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही रास्ता अपनाया और लोगों के बीच में जो कुरान थे, कुरान पाक है, उनमें जो जो टीचिंग्स थी, जो लोगों के लिए जो अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, उनको लोगों तक पहुंचाने की का काम किया, कोशिश की। लेकिन जहाँ पे वो अरब्स में थे, वहाँ पे जो लोग थे उस टाइम जो है वो क्रिश्चियनिटी को और एक अलग किस्म के रिलीजन को अपना मतलब मानते थे, जिसमें बहुत सारे गॉड्स की वो वर्शिप करते थे, मानते थे। वो एक खुदा को या एक गॉड को नहीं मानते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उनका अपोजिशन किया। इसलिए यहाँ पे ये कहते हैं, डिड पीपल रियली एक्सेप्ट व्हाट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टोल्ड देम, क्या लोगों ने सचमुच वो बात मानी जो मोहम्मद साहब ने उनसे कही। नहीं मानी, क्योंकि उस टाइम जो लोग थे वो पगान्स थे। पगान्स का मतलब है जो अलग अलग गॉड्स की वर्शिप करते हैं, और वो उन्होंने एक अल्लाह की इबादत करना नहीं माना। और वो हमें कैसा पता चला कि उन्होंने इनके खिलाफ़ क्या किया, रिवोल्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा आज का ये है क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और डेट हमारी है आज 12/6/2021। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। कहता है, डिड पीपल रियली एक्सेप्ट व्हाट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टोल्ड देम, हाउ डू यू नो। आपको कैसे पता है, ये हमें बुक में पता है, क्योंकि बुक में जो इन्होंने लिखा है, जो हमें बताया गया है, हम वही कह रहे हैं, हमें उसी के हिसाब से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में जो है, हम उस पेज पे जाते हैं जहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो है इस्लाम को, जो कुरान पाक में जो टीचिंग्स थी, उनको प्रोपिगेट करना शुरू कर दिया, उनको लोगों के बीच में फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने एक नया रिलीजन, एक नया जो एक जैसे क्रिश्चियनिटी के अलग किस्म की जो उनका जो अपना एक वे ऑफ जो वर्शिपिंग था, इन्होंने एक नया वे ऑफ वर्शिपिंग जो है बनाया और उसका नाम रखा इन्होंने इस्लाम। ठीक है, और उसमें इन्होंने 5 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने नहीं माना इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नो पीपल रियली डिड नॉट एक्सेप्ट व्हाट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टोल्ड देम।
ये पहले पार्ट का आंसर आपका आ गया, नहीं लोगों ने उनकी बात अगर सच मानो तो नहीं मानी। और हमें ये कैसे पता चल गया, द अर्ब्स वो क्या थे, द अर्ब्स वर पगान्स, पगान्स एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट टू वर्शिप वन सिंगल गॉड। They became his arch enemies। उन्होंने उनके साथ जो है मतलब वो उनके दुश्मन बन गए, उन्होंने उनके खिलाफ हथियार तक उठाया। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, why did मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लीव मक्का। और जब वो उनके दुश्मन बन गए वहाँ के लोग, जो एस्पेशली वहाँ के जो नोबल्स थे, जो वहाँ के वो शाही घराने के लोग थे, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा जो है मुखालिफत की, जबकि लोग उनके अपोजिट हो गए, तो उन्होंने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा और वो उन्होंने मक्का छोड़ दिया। फिर वो कहाँ पर आए, फिर वो आए मदीना में, हाँ, जहाँ पे जो जिसका पहला नाम क्या था, यथरिब, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बिकॉज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेफ्ट मक्का बिकॉज the pagans of arabs, the pagans of arab became his arch enemies and forced him to leave his birthplace मक्का, ठीक है। उन्होंने उनको वहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं, हमने इसके जो ट्रू फॉल्स किए हैं पाँच किए हैं, अब हम सिक्स सेंटेंस पे चलेंगे। अब्दुल मुत्तलिब वॉज मोहम्मद्स अंकल। ज़रा देखिए अब्दुल मुत्तलिब कौन है, वो मोहम्मद साहब के कौन थे, वो उनके दादा थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उनके कौन थे, उनके दादा, हिज ग्रैंड फादर अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, यानी वो उनके अंकल नहीं थे, तो ये फॉल्स है। अबू तालिब डिड नॉट लाइक मोहम्मद, अबू तालिब को मोहम्मद साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऐसा नहीं था, वो उनके चाचा थे और उन्होंने ही उनको बाद में पाला, तो ये भी फॉल्स है। अमीन इज़ द टाइटल दैट मोहम्मद साहब गॉट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। अमीन यानी कस्टोडियन, यानी जो हिफाजत करता है, जिसके रहमो करम पे या जिसके साय के नीचे जो है एक सेफ्टी महसूस होती है लोगों को लगी, और वो मोहम्मद साहब की एक क्वालिटी की वजह से जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, हालांकि उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी लेकिन एक मेंशन उन्होंने की है यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की वजह से जो है उनको अमीन कहा गया है था उस टाइम। हाँ ये सच है और ये ट्रू है, ठीक है। हीरा इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सा गैब्रियल फॉर द फर्स्ट टाइम।
हीरा जो था वो एक मकान था जिसमें मोहम्मद साहब ने गैब्रियल को देखा था। ये गलत है क्योंकि वो ना तो वो मकान था और ना ही उन्होंने गैब्रियल को देखा था। ठीक है, हाँ वो गैब्रियल ही थे। वो एंजल जो थे, उन्होंने जिस एंजल को उन्होंने देखा था वो गैब्रियल ही थे, लेकिन उन्होंने उसको कहाँ पे देखा था? हाउस में नहीं देखा था, बल्कि कहाँ देखा था? केव में देखा था। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिकेम द प्रॉफिट व्हेन ही वाज 33। मोहम्मद साहब प्रॉफिट कब बने? जब वो 33 साल के थे। नहीं, 33 साल की उम्र में वो कहाँ गए थे? गुफा में गए थे, हीरा गुफा में गए थे इबादत करने के लिए। 40 साल की उम्र में वो लगभग प्रॉफिट बने, 40 साल की उम्र के बाद। यानी ये फॉल्स है। द कुरान वॉज रिवील्ड टू मोहम्मद साहब वैन ही माइग्रेट टू मदीना। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आए तब कुरान उनको उनके सामने आए। ये गलत है। कुरान उनके सामने जो है, कुरान पाक जो है उनके सामने पहले ही आई, जब वो कहाँ थे? जब वो गुफा में थे, जब गैब्रियल जो थे, जो एंजल थे, उन्होंने उनको कहा था कि आप ये लाइन पढ़ो। और वो लाइन कौन सी थी? वो कुरान पाक की पहली लाइन थी। ठीक है, इसलिए ये गलत है। मदीना तो वो तब गए जब लोगों ने उनको अपोज़ किया। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेफ्ट मक्का ऑफ हिज ओन। मोहम्मद साहब ने मक्का अपने आप यानी अपनी मर्ज़ी से छोड़ा? ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मक्का नहीं छोड़ा। द फर्स्ट इस्लामिक गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मदीना। और मदीना में पहली गवर्नमेंट बनाई गई किसकी? इस्लाम की, इस्लामिक गवर्नमेंट। हाँ ये ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक स्टेट हुज़ हेड क्वार्टर्स वर इन मदीना। मदीना में ही जो है पहली इनकी गवर्नमेंट बनी, यानी ये ट्रू है। हज इज़ परफॉर्म इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। हज जो है वो कब परफॉर्म होता है? पहले मंथ में होता है कि लास्ट मंथ में होता है? हज जो है वो कब होता है? एस्पेशली एनुअल पिलग्रमेज टू मक्का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कब होता है? ये लास्ट मंथ ऑफ, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर है। देखिए यहाँ पे हम ये पार्ट पहले फिर से पढ़ते हैं। दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज हिजरत एंड फ्रॉम वेयर द कैलेंडर स्टार्ट्स। मोहम्मद स्पेंड्स द लाइफ फगांस लेफ्ट द, ठीक है, अल्टीमेटली विक्टोरियस ही एस्टेब्लिश द मुस्लिम पास अवे। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स विजिट हिज ग्रेव एवरी ईयर एस्पेशली ड्यूरिंग हज द एनुअल पिलग्रमेज टू मक्का। जो ये यहाँ पे है इसका ज़्यादा जो है क्लियरिटी आपको यहाँ मिली हुई है। ये देखिए यहाँ हज का लिखा हुआ है वन ऑफ द फाइव फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम दैट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट टू वीक्स ऑफ जिलहज। फर्स्ट टू वीक्स ऑफ जिलहज द लास्ट मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट मंथ ऑफ मुस्लिम के, यानी हज जो है कब परफॉर्म होता है ये आपको ज़्यादा पता होगा, मुस्लिम कैलेंडर के लास्ट मंथ में। तो ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। समझ आ रही है? आज इतना काफ़ी है, कल हम इसकी बाकी बुक वर्क को देख लेंगे और उसके बाद हम आगे इसका ग्रामर वर्क करेंगे। ठीक है।